हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। इधर आइए, इधर बड़े भैया, इनका नाम है गुलगुली दादा। ये गंगा कैसेट के बहुत शौकीन है, बहुत गरीब आदमी है, ये आपसे मिलना चाहते बड़े भैया। अच्छा अच्छा, और क्या चाहिए आपको? बुलाई दाऊं। देखिए, इनको इनके जीवन के सुख के लिए इनको कम से कम एक बुढ़िया दिया जाए। पकड़े आप, देखिए ले जाओ बुढ़िया को, रात खजाने से काफी इनाम दिया। आइए दादा, आपको 5,000 नकद दिया जाएगा, एक बुढ़िया दिया जाएगी। द्वारपाल भैया, मैं आराम करने चल रहा हूँ और आपकी ड्यूटी रहेगी यहाँ पर। तैयार हूँ भैया। अरे भैया, आप सो रहे कैसे? चाहूं उठे द्वारपाल, मैं क्या सपना देखा? सपना? कैसा सपना भैया? ये क्या होने वाला है? होने वाला है, और आज रात को ख्वाब में बहुत हुआ गमीगी। आज रात को ख्वाब में बहुत हुआ गमगी, और नैनों से धारा बहे जैसे जल बिन मीन। जैसे जल बिन मीन सीन क्या विधना ने दिखलाया, और पला हुआ है नाग महल में मुझे ही डसने धाय। और खुल गए मेरे नैना, और बीती आधी रैना, भगवान का गुण गाऊं, और सुबह होते प्रभु के चरणों में सीसी झुकाऊं। द्वारपाल, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे महल में पाला हुआ नाग और मुझे ही काटने दौड़ा। अरे भैया, तो सपना बहुत खराब है भैया, कलयुग का जमाना चल रहा है, आजकल सपन के बात नहीं लेना चाहिए। आप आराम कीजिए भैया। अब द्वारपाल, आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर रहना। जो क्या भैया, अरे गजब हो गया है महाराज भारी, गजब हो गया है महाराज भारी, और इज्जत लूटी आपकी और हमारी। महाराज मैं मर गया सच्ची रहा उचा, अगर मैं वहां न जाता राजन तो ये मेरी हाल ना होती। और क्या बात मंत्री है सच सची बताओ, क्या बात मंत्री है सच सची बताओ, न रो रो के आंखों से आंसू बहाओ। महाराज, मंत्री क्या बात है, क्यों रो रहे हो और घबराए हुए नजर आ रहे हो? महाराज कान जब्त हो गया, आंखें बंद हो गई, जुबानें बंद हो गई। क्या बात है मंत्री, साफ महाराज, अगर मैं वहां ना जाता
होती है मेरी हाल न होती राजन। कुछ तो बताओगे महाराज? क्या सुनाएंगे मंत्री महाराज जी, हाल सारा सुनाती है प्यारी तेरी, आज से इसी महल में रहूंगी नहीं। आज से इसी महल में रहूंगी नहीं, जब महल बीच कुछ मेरी इज्जत नहीं, आज से इसी महल में तो मेरी प्यारी जरा कांध को शांत कर, हाल मुझसे तू सारा आया कीजिए, कौन पापी है तुझको सताया है ये, तू ये सूली जरा कुछ ही बया कीजिए। स्वामी जो तो मेरा सत्य भंग हो चुका है। क्या कहा, तुम्हारा सत्य भंग हो गया? इसलिए मुझे नहीं छू सकते। मैं आपको नहीं छू सकता? घूमने में गई जेल के द्वार पे, तो वहां आपका भाई सिंपल मिला, खोल हाथ करी भाग बाबुल गए, सामने मेरी शमशीर चमकारा। क्या कह रही हो कि हथकड़ी खोलकर बाबू चले गए? स्वामी ये कैसी बात है, मेरी समझ आ रहा है? साफ साफ चुन ले मुझे महाराज, हिंदू धर्म ही करम। क्या हुआ? सुनो सुनो, अगर सुख सकते हो तो सुनिए। के मुझको अकेली हो जबरन किया, दादा बोचा मुझे और दी गाली, एक से कुशम में मंत्री आते नहीं। ऐसे कुशम में मंत्री आते नहीं, मेरी इज्जत न बचीती स्वामी मेरे, ऐसे कुशम में मंत्री। महारानी मैं ये रात समझ नहीं रहा, तुम क्या कह रही हो, कैसी बात है? स्वामी अचानक में जेल के फाटक में पहुंची। तुम जेल के फाटक में पहुंची तो हमें क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? कि सिंपल बेटा पिताजी की हथकड़ी खोल रहे थे। यानी छोटे भाई पिताजी की हथकड़ी खोल रहे थे? हाँ। तो इतने में मैं बोल पड़ी, अरे बेटा सिंपल ये तो क्या कर रहा है, अपने बड़े भाई बातों का उल्लंघन कर रहा है। इतने में खींच के मुझको एक चाटा मारा स्वामी। तुमने हथकड़ी खोलने से मना किया, तुम्हें एक चाटा मारा? हाँ, पिताजी मौका पाया वहां से चले गए। जब मुझे अकेले पाया मैं बोली बेटा आपने बहुत गलती कर दिया। तो कहने लगा मुझे बेटा मत कहा करो। मैं बोली क्या फिर कहूँ बेटा मेरे लाल। कहने लगा मुझे बेटा मत कहो ना लाल कहो, और मुझे एक चुम्मा दे दो। अरे रे बाबा, स्वामी जैसे जबरदस्ती मेरी कलाई पकड़ के जमीन पे पटकने चला, पता नहीं कहां से मंत्री आ गए। अगर मंत्री ना आते तो मैं अपने किसी को बुद्धि खिलाने काबिल न रहते स्वामी। अब जुबान में लगाम दो, आगे ऐसी बातें मत कहना। मेरा छोटा भाई तुम्हारी इज्जत बर्बाद करना चाहा। अच्छा, यानी रस में विष घोलने आई हो। जो मेरा छोटा भाई सदा तुझे माँ के समान समझता था, आज वही भाई तुम्हारे साथ अधर्म करने के लिए कदम उठाएगा।
ऐसी बात अगर बात दोबारा निकाली तो तेरी जुबान का बस बस अब चुप रहो। जब तो हो गए कान, अब सुन सकता रहे मंत्री भोगोल सिंह अपमान। महाराज कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा, गुस्ताखी माफ हो, मेरे एक औलाद है, मैं अपनी औलाद की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर मैं जेल के दरवाजे पर न पहुंच जाता तो आपका छोटा भाई सिंपल अपनी बड़ी भाभी के साथ अपना मुंह काला कर लेता। मैं ब्रह्मा विष्णु की कसम खा रहा हूं, महाराज मेरा अपमान किया है, जब मैं मना किया तो आपका छोटा भाई सिंपल मेरा अपमान किया और मुझे एक चाटा मारा। मैं वापस आया महाराज, जो दर हकीकत मैं बता रहा हूं, मानिए और ना मानिए, ये बड़ों की बात तो है, बड़े की बात चलती है, अगर कोई छोटे की बात होती तो गामा पूरा डिक्लेयर हो जाता। खबरदार महाराज मैं सत्य कहूंगा, जुबान काटूंगा अगर ऐसी बात निकली मंत्री, बड़ा हो छोटा हो सबकी इज्जत एक समान मेरी नजर में है। आपका छोटा भाई जो किया है संसार में कोई नहीं किया। रहने दो मंत्री, इनको विश्वास नहीं पड़ेगा। मुझे कतई विश्वास नहीं है, सूर्य पूरा पश्चिम उदय हो लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि तुम्हारा भाई है ना, इसीलिए मैं तो तुम्हारे कुछ हूँ नहीं। ठीक है स्वामी, अगर मैं तुम्हारे कुछ नहीं हूँ लेकिन मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी, जा रहे हो किसी कुएं में डूब के अपनी जान दे दोगे। मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी जा रहा हूं उस कुएं में मरूंगा जिसमें पानी नहीं होगा। मंत्री तुम्हारे केवल एक औलाद है, औलाद की कसम खाया और ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाया। महाराज संसार में औलाद से बढ़ के क्या है राजन, छोटे भाई के दिल में इतना बड़ा पाप समा गया। आज मंत्री तुमने रोकर कसम खाया अपनी औलाद और भगवान की। हाँ महाराज, अगर ये बात है छोटे भाई ने ऐसा कर्म करने के लिए कदम उठाया तो भाई नहीं वो मेरा दुश्मन है और ऐसे भाई की मैं शक नहीं देखना चाहता हूँ। महारानी महारानी छूने काबिल नहीं है, महाराज हिंदू धर्म में ऐसा करना घोर अपराध है। यानी मैं नहीं छू सकता हूँ? नहीं राजन। हाँ स्वामी। वो क्यों? इसलिए कि जिसे बचपन से पाला इतना बड़ा कर दिया अपना बेटा समझ के, अरे मुझे क्या मालूम था कि वही बेटा मेरी इज्जत पे हावी होगा, इसलिए मेरा सत्व जो था वो भंग हो चुका है। सोचिए आप लोग कि आज भी दुनिया में इस तरीके से पवित्रता नारी पे हैं कि बदन में हाथ लगाने से इनका सत्व भंग हो गया है। चले प्रभु, ऐसी स्वतंत्रता नारी को नारी नहीं लक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी स्वामी। महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी स्वामी। जब तक सत्य नहीं वापस होगा आप मुझे छू नहीं सकते। यदि जब तक तुम्हारा सत्य नहीं वापस होगा तब तक मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूँ। हाँ। वाची ने मेरे लिए महाराज बनने के लिए 6 दिन नहीं खाना खाया, जब तक मेरा चरण नहीं छूती, बगैर भोजन कराए भोजन नहीं करती, ऐसी मेरी सेवा करने वाली पवित्रता लक्ष्मी के साथ। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी। तुम चिंता मत करो, ये पहले सत्य वापस कैसे होगा जब तुम मेरे काबिल बनोगी। स्वामी मेरा सत्य तभी वापिस होगा जब सिंपल की दोनों आंखें, उसका कलेजा और उसके खून से जब तक मैं स्नान नहीं करूंगी मेरा सत्य नहीं वापिस होगा स्वामी। यानी जिस छोटे भाई ने तुम्हारा धर्म निकालने के लिए कदम उठाया उसके खून से स्नान करोगी, उसकी दोनों आंख और कलेजा तुम्हें चाहिए जी। अगर ये बात है तो मंत्री, अगर पाप करने वालों के लिए मेरी नजरों में उसे सजाए मौत दी जाए, वो छोटा भाई नहीं दुश्मन है, ऐसे पापी को दरबार में हाजिर किया जाए, ऐसे पापी भाई को मैं दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, दोनों आंख और कलेजा मैं लाकर तुम्हारे सामने हाजिर कराऊंगा। इंसाफ के पुजारी, इंसाफ कीजिए, अगर कैदी है भाई तो गिरफ्तार कीजिए। मंत्री इंसाफ के तख्त पर बैठा हूं, इंसाफ के तख्त पर बैठा हूं, इंसाफ करूं इंसाफ करूं, और फिकर मत करो मंत्री बामिला, साफ करूं। आशा भाई निकम्मा भले जाए मानो, जब कलंकित है कुल का तो क्या हर्ज है, उस पर गोली चलाना आपका फर्ज है। वो भाई नहीं वो दुश्मन है,
जिसने इस तरीके से महल में पाप करने के लिए कदम उठाया है उसको मैं दुनिया में जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। छोटे राजकुमार को दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज आज्ञा का पालन होगा। इसलिए हंस रहा हूँ। चलते कीजिए ना। अरे तो जल्दी तो हो रहा है। जाओ लाओ उसे। अरे अभी मैं आ रहा हूँ। हंस क्यों रहा हूँ? क्यों? सबके सब साले बेवकूफ, सबके सब पागल साले। सब पागल बन के जाओ काम करने के लिए। काम तो होगा आसानी से, उनका आदेश है। अब तो भाई भाई में दुश्मनी, यही तो मैं चाहती थी। और बीच में तमाशा देखेगा मंत्री भगोर सिंह। महारानी जी चलिए। देखा आप लोग ने? अरे अभी क्या देखा? आप देखने में क्या क्या दिखाती हूँ, लेकिन हाँ आप लोग इसे बैठे रहना अंधेरे में। हाँ आहा तो बीते भरे का, लेकिन बहुत होशियार ये है। कि मोरी पिता, कि मोरी पिता भारे कई भाव जाई बा, बड़ी हारे जाई बाना। हारे जाई बाना, हारे जाई बाना, मोरी पिता भारे कई भाव जाई बा, बड़ी हारे जाई बा। क्या बताऊं, आज सिंपल से मुलाकात के कितने दिन बीत गए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता ना, मालूम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, कोई पता पता रहता नहीं उनका। सपनों में रात मेरे आया हो, हो सपनों में रात मेरे आया, कृष्ण को पाला रे, मेरे मन में बस गया शाम, मेरे मन में बस गया शाम, जपू मैं माला री मेरे। सपनों में रात मेरे आया मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गया श्याम, जपू मैं माला री, मेरे दिल में बस गया श्याम, जपू मैं माला। ओ बोला सुन मेरी राधा, मैं तो हूँ तेरे बिन आधा। ओ बोला सुन मेरी राधा, मैं तो हूँ तेरे बिन आधा, तेरी बंसी तुझे पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। मुझे बाल ग्वाल में प्यारा, मुझे बाल ग्वाल में प्यारा, कृष्ण गोपाला री, मेरे दिल में बस गया श्याम, जपू मैं माला री, मेरे दिल। अरे देखा, आप आए, आप आए बाहर आई। आप आए बाहर आई, भजंती माला राजेंद्र कुमार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आई अमास रानी। पागल है के। सिंपल, देखो मैं तुम्हारी याद में तड़प रही थी, सोची थोड़ा कुछ गीत ही गुनगुना दूं। ठीक है राज, तुम्हारी भी याद मुझे आ रही थी। अच्छा अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। लेकिन क्या बात है, तुम कभी मिलने नहीं आते हो, मुलाकात नहीं करने आते, मैं परेशान रहती हूँ। देखिए रेखा, मैं भी अपने परिवार का एक सदस्य हूँ, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। अच्छा ये बात है, लेकिन मैं क्या करूँ। भाग जा तो बाबू आ बता, तो पप्पा बता, भाग जा मंत्री भूगोल सिंह, तो पप्पा बता, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। भाई राजकुमार जी मेरे साथ चलो जी। मंत्री जी कहाँ? तुम्हारे बड़े भैया ने कहा जाओ मंत्री जी, सिंपल को साथ लेवा के आओ। बड़े भैया का आदेश है? हाँ।
हाँ कुछ खास काम? ये मैं नहीं बता सकता हूँ कारण क्या है। तुम जानोगे तुम्हारे बड़े भैया। ठहरना अमर मजबूरी है और मेरे साथ चलना महल चलना जरूरी है। आप चलिए मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरे साथ चलना होगा। चलिए अच्छा आओ। काहे लिया जाता है यार, हम तो सब समझते ही चौलहा सारा बहुत ही दुखी है। कोई बात नहीं थे, हम तो द्वारपाल हैं, ड्यूटी पे लगे हैं। हरे पलम से हंसी के बतिया कहे बिरहा सम्राट चाचा हैदर लिख चीज है। अरे पलम से हंसी के बतिया कहे सुन के एकदम प्रशंसा कजबे भाईली छतिया। पलम से हंसी के बतिया कहे रामा रामा यारे हो मोरे रामा 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 यारे हो मोरे रामा चोरावा सो वैसा वत के पोरावा ओ लाइक के मरावा ना सुन के आगा पसंद था गजब भाईली छतिया बलम से हंस के बतिया कहे। महारानी की हालत दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। जिसने मेरे सुख के लिए क्या से क्या नहीं कर डाली ऐसी मेरी पद्वरता लक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी महालक्ष्मी। स्वामी चलकर पहले तुम कम से कम स्नान करो भोजन करो, तुम्हारी ये हालत है। स्नान करब तो खून से करब। यदि स्नान करो तो खून से ही स्नान करोगी। हाँ, स्वामी अब हमारे होश ना ही बा। सोचिए जब से पापी ने कदम बढ़ाया अधर्म करने के लिए तब से इनको इतना बड़ा दुख हो गया कि जिसे मैं बेटा समझी वो मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए कदम उठाया है। न तो स्नान कर ही न भोजन धन है प्रभु। ऐसी पवित्रता नारी को नारी नहीं लक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी। भाभी जी अरे हम नहीं छू सके तो नहीं छू सके का तो नहीं छू सकते हमारे स्वामी का देते बहुत तकलीफ होत हो रे। द्वारपाल बड़े भैया सोचिए मेरी सेवा के लिए इतनी बड़ी इनको चिंता रहती है। बगैर सेवा किए इन्हें नींद नहीं आती। धन्य प्रभु ऐसी सेवा करने वाली पद्मता लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी की हालत महा लगाए रहवा कर। लगाऊंगा बे लगाऊंगा। बैठे आप। महाराज डिंपल की जय हो। महाराज डिंपल की जय हो। मंत्री जिस काम के लिए भेजा था बिना काम पूरा किए कैसे आता? वजीरी का ओहदा भला कैसे पाता? कहाँ है छोटा राजकुमार? महाराज मेरे साथ है। राजकुमार जी वहां क्यों खड़े हो? आइए तुम्हारे बड़े भैया बुला रहे हैं। बड़े भाई के चरणों में छोटे का प्रणाम। नर्क में तेरा वास हो। आ गए ते। हाँ ते हमके फिर मुंह दिखावे आ गए रे। हाँ भाभी माँ मैं आ गया। करे कौने मोहे ते हमके भाभी माँ कहा था? आज चुम्मा न लेवे का? आओ तो भैया वहाँ मंत्री वहाँ और सामने परजे वहाँ आओ हम खड़ी थे हमारा चुम्मन ले। अभी तू पागल हो गई? हाँ पागल हो गए हम करके आए गए ही स्वामी। भैया बड़ी हिम्मत देखा हमने चुम्मा मांगा रहा। भैया भाभी का इस समय दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है और हम कोर्ट में तुझे क्या समझा था क्या निकला? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सर खून पापी नीचे अधमी इस घड़ी कैसे भोला दिखाता है अधमी अपने भाभी के संगी मुख को काला किया तू ये खून ये पापी ये चाल है अधमी बोल भैया तूने ये बता भैया भैया मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तेरी
गुस्सा शांत कीजिए, तलवार म्यान में करिए। ये रहा छोटा भाई और आप रहे बड़े भाई। अगर छोटा भाई महल में कुछ गलत किया है तो बड़े भाई का फर्ज यह है कि छोटे भाई को माफ कर दे। हाथ जाओ सामने से, ये भाई नहीं मेरा दुश्मन है। ऐसे दुश्मन को दुनिया में जिंदा ही देखना चाहता हूं। भैया दो सुनो, इसमें मंत्री और भाभी की चाल है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गजा, ये त्रिया जाल है, ये त्रिया जाल है। बड़े भैया मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जरा आप फिर सोचिए कि जिस मुख से मैंने सदैव भाभी माँ कह के पुकारा है, मैं उनके साथ कैसे दुष्कर्म कर रखता हूँ भैया। क्या सुन रहा हूँ? कितना बोला बानिगा, त्रियाचारित बहुत चरित बताओ बे। एक बात माने रोहित, एक साथ दिल्ली गए रोहित, एक लगे बार के पिक्चर देखे रोहित, एक लगे वाला रिक रोहित, तब ठीक था। स्वामी जान तो क्या कर रहा था? मैं जब इससे बोली कि बेटा सिंपल मैं तुम्हारी भैया सब कुछ बता दूंगी, तो जान तो क्या कह रहा था ये? क्या कह रहा था? अरे मेरी जाने मन, मेरे छिये पड़ाका जी पड़ाका। हाँ, अगर तुम मेरी बात को मान जाती हो तो भैया क्या बात करती हो, भैया तो मैं आधी रात में कत्ल कर दूंगा। यानी मुझे जान से मारने को सोचा? हाँ स्वामी। वहाँ दूसरी कोई औरत होती तो रात को छुपा लेती, धन्य ऐसी मेरी पद्रता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं, ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।